अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाउ आर यू। आज हमारे पास ये लिनोवो आइडिया पैड 3 है जी, 14 इंच में। इसमें प्रॉब्लम ये है जी कि इसको फॉर्मेट कर रहे हैं तो इसमें वो नॉट फाउंड डिवाइस बता रहा है, यानी हार्ड डिस्क जो है वो नहीं वहाँ पे शो करवा रहा। तो चले देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सलूशन है। सबसे पहले जी हम इसको, ये हमने विंडो 10 की बूटेबल यूएसबी लगा के रखी हुई है, पावर ऑन करेंगे और F12 दबा के बूट मेन्यू में जाएंगे। ये नहीं जी, ये बूट हो गया, इसमें हार्ड डिस्क शो करवा रहा है, ठीक है जी। और सैमसंग की जो ये हार्ड डिस्क लगी हुई है इसमें 128 GB है, और ये हमारी यूएसबी डिवाइस है। यूएसबी डिवाइस HP प्रेस एंटर करेंगे, बूट फ्रॉम यूएसबी। यदि ये बूट स्टार्ट हो गया जी तो अब भी हम देखते हैं इसको असल प्रॉब्लम क्या लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, इंटर इंग्लिश। विंडो 10 प्रो 64 बिट हमने किए जी सिलेक्ट। कस्टम इंस्टॉल, तो ये देखें जी सिस्टम, ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है जी, वही कैन नॉट फाइंड एनी डिवाइस टू गेट स्टोरेज ड्राइवर, क्लिक लोड ड्राइवर, ठीक है जी। ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है, हमने सारी बायोस सिक्योर बूट इसमें डिसेबल है और फिर भी ये आ रहा है, ठीक है जी। तो अब देखते हैं इसका सलूशन क्या है। तो चलें इसको करते हैं दोबारा रिस्टार्ट और बायोस को एक दफ़ा फिर से चेक करते हैं। ये आ गए जी हम बायस में। ये जी सिस्टम हमारा आइडिया पैड 3 है, 11th जनरेशन है, कोर i3 है। अच्छा जी, तो इसमें ये देखें जी, सबसे पहले सिक्योर बूट ऑलरेडी डिसेबल है, तो इसमें जी हमको, हमें ये जो है ना इंटेल VMD कंट्रोलर, ये एक न्यू फंक्शन है, इसको हमने करना है डिसेबल। ये हो गया जी डिसेबल, और उसके बाद ये देखिए ये ऑप्शन साटा वाला अनेबल डिसेबल आ गया। इसके बाद हम इसको करेंगे सेव, एग्जिट सेव, यस। अभी दोबारा इसको ट्राई करेंगे F12 फॉर बूट फ्रॉम USB। जी दोबारा से USB, बूट फ्रॉम USB।
हमारा मसला हल हो गया जी। ठीक है, अभी हार्ड ड्राइव जो शो हो रही है SSD 128 लगी हुई है, इसमें सारी पार्टीशन शो हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब हम इसको इजीली फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है जी, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आएँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, बाय बाय। ये विंडो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, पूरा फुल सिस्टम हमने फॉर्मेट कर दिया, सारी पार्टीशन उड़ा के नए सिरे से। तो ये हमारा सिस्टम रेडी है।